हमारा जमीन का पैसा लेके भाग गई है सर। कितना पैसा था? 39 लाख रुपया भाग गई सर। 39 लाख रुपया कहाँ से आया पैसा? खेत बेचे थे सर। पत्नी जमीन का 39 लाख रुपया लेकर भाग गई है, ये कहना है पटना के बिहटा कोड़िया के रहने वाले ब्रिज किशोर सिंह का। पत्नी की बेवफाई की एक अजीबोगरीब दास्ता पटना के बिहटा से सामने आई है। 14 साल पहले ब्रिज किशोर सिंह की शादी भोजपुरा बड़हड़ा के बिंदगावा गांव की प्रभावती देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई, जो बिहटा के एक निजी स्कूल में 4th और 3rd क्लास में पढ़ते हैं। ब्रजकिशोर सिंह ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने गांव से आकर बिहटा में किराए का मकान ले रखा था, जहां बच्चों के साथ उनकी पत्नी प्रभावती देवी रहती थी और स्वयं ब्रजकिशोर घर का खर्च चलाने के लिए खुद गुजरात जाकर एक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। बस यहीं से पत्नी बड़े ही शातिराना तरीके से पति को गांव की जमीन को बेचने के लिए उकसाती है और जमीन से आने वाले पैसे से शहर में जमीन खरीदने का सुझाव देती है। सीधे साधे ब्रजकिशोर पत्नी की बातों में आ गए और गांव की जमीन को बेचकर कुछ पैसे पत्नी के खाते में भी डाले। करीब 15 लाख पत्नी को रखने को दिए। पैसे हाथ में आने के बाद पत्नी पति को बिना बताए मकान खाली करके भाग निकली। खुद पति से सुनिए पत्नी ने उसे कैसे चूना लगाया। हमारा जमीन का पैसा लेके भाग गई है सर। कितना पैसा था? 39 लाख रुपया भाग गई सर। 39 लाख रुपया कहाँ से आया पैसा? खेत बेचे थे सर। काहे के लिए? अपने खेत में जमीन, बेटा में जमीन लेने के लिए सर। अच्छा। बेबी बोली कि कितना दिन बाहर रहिएगा, खेत बेचिएगा तो बेटा में जमीन लेकर दोनों व्यक्ति या बच्चा साथ में रहेंगे। क्या करते थे आप? हम बाहर में नौकरी करते थे सर। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यही हैं कि ये दोनों आ जाए, लड़का लड़की, और वो जो पैसा जमीन लिए हैं हमको वापस चाहिए। तो इतना पैसा घर में कैसे रखे थे आप? घर में हम खेत बेच के लिए थे, उसके अकाउंट में पैसा रखे थे। कुछ कैश पैसा मिला था सर उसके। कितना कैश था? कैश था 15 लाख, 16 लाख दिया सर। और बाकी किसके अकाउंट में रखे थे? बाकी उसी मेरे पत्नी के अकाउंट में सर। कब भागी है वो? भागी 11 तारीख को 5 बजे सुबह में। किसके साथ भागी कुछ पता नहीं सर, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। अब क्या करेंगे आप? अब उसका हमको करना है कि उसको ऊपर दबाव डालिए सर, कहीं से भी इसको ढूंढ कर ले आइए। ब्रिज किशोर के मुताबिक एक सप्ताह पहले जब पत्नी के कहने पर वो गुजरात से घर आए थे और बीते 11 अगस्त को किराए के मकान को खाली करने की भी बात हुई थी, और जब वो 11 तारीख को सुबह अपने गांव से किराए के मकान बिहटा पहुंचे तो मकान में ताला लगा हुआ था और पत्नी का मोबाइल भी बंद था। मकान मालिक से पूछा तो मकान मालिक के द्वारा बताया गया कि वो तो सुबह 5 बजे मकान खाली करके निकल गई। पहले ब्रजकिशोर ने अपने स्तर से पत्नी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर ब्रजकिशोर ने बिहटा थाना पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बिहटा पुलिस ने पत्नी द्वारा पति का पैसा लेकर भागने का मामला दर्ज किया, लेकिन पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। पटना से मनोज, बिहार तक।